हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, हम आए मार्कंड ऋषि मंदिर पर। हम थोड़ा सा ऊपर चढ़ के आ गए, आप पूरा व्यू देख सकते हो वीडियो में। हम थोड़ा सा चढ़ के आ गए ऊपर, थोड़ा सा आगे चलते ही हमें देखने को मिलता है ये राम कुंड। आप देख सकते हो तो छोटा सा कुंड है, और इसमें जो पानी आता है वो ऊपर पर्वत से आता है, और जब इसका यूज नहीं होता तो ये कम्प्लीटली भरा हुआ रहता है। देख सकते हो साइड साइड में, देख सकते हो आप, ये छोटा मंदिर है ऋषियों का। एक बार आप ऊपर का व्यू चेक कर लो कैसे दिखता है इधर से। अभी हम नीचे ही है, देख रहे हो, मंदिर भी दिख रहा होगा आपको वीडियो में। चलो गाइस, इधर का सब तो देख लिया, अब चलते हैं ऊपर, देखते हैं ऊपर हमें क्या देखने को मिलता है। तो हम आधे तक आ चुके हैं ऊपर, और आप देख सकते हो ये इधर कालिका माता का मंदिर है। देख सकते हो छोटा सा मंदिर है, तो मंदिर के अंदर चलते देखते। देख सकते हो आप, मंदिर में एकदम छोटी सी मूर्ति है कालिका माता की, बहुत ही सुंदर दिखती है देखने में, देख सकते हो। अभी हम आ चुके हैं एकदम टॉप पर है, अभी हम मार्कंड ऋषि के मंदिर के पास ही, थोड़ा सा देख सकते हो ये तीनों कुंड जो एक साथ दिख रहे हैं आपको, जो राम कुंड है नीचे उधर, इन तीनों में से ही पानी जाता है नीचे, लेकिन वो किसको दिखता नहीं है, देख सकते हो आप। अब ऊपर ऊपर से देख लो आप नीचे कैसा दिखता है, बहुत ही गहरी खाई दिखती है। ये राम मार्कंड ऋषि का मंदिर देख रहे हो, एकदम टॉप पे है मंदिर, देख सकते हो। फाइनली हम मंदिर के पास पहुंच चुके हैं, जैसा कि वीडियो में देख रहे हो आप। इधर का व्यू कैसा दिख रहा है, ये महादेव जी का नंदी, देख सकते हो आप। उधर है सप्तशृंगी माता का मंदिर, तो चलो मंदिर के अंदर चलते देखते। ये रहा मार्कंडेय ऋषि, देख सकते हो कितनी प्यारी मूर्ति दिख रही है हमको। मंदिर का भी व्यू चेक कर लो आप, छोटा सा मंदिर है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। मंदिर से बाहर का व्यू के साथ है, देख सकते हो।